नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन इंक्वायरी में। दोस्तों आज बात करेंगे हम दवासीर कैप्सूल्स के बारे में। जानते हैं इसका बेनिफिट, किन दिक्कतों में इसका कैप्सूल का इस्तेमाल में आता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों आजकल के हमारे खाने पीने की वजह से हमारे शरीर पर काफ़ी ऐसा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हम सबको कई बीमारियां हमको इसके साथ लग जाती है, जैसे कि इनों में से एक है बवासीर। दोस्तों बवासीर का कई कारण होते हैं, जैसे कि हमारा तेज मसाला, बाहरी खाना, या फिर हमारे क्या कहते हैं खान पीने में तेज मसाले, लाल मिर्च का ज़्यादा प्रयोग करना, इन जैसे कई ऐसे मसाले हमारे जो हमारे इससे रिलेटेड है, जो हमारे बवासीर का मुख्य कारण है। दोस्तों बवासीर का मुख्य कारण ये भी है, कब्ज होती है, एक हमारा क्या कहते हैं टॉयलेट टाइम से ना जाना, और हमारे कई ऐसे और सिम्टम्स हैं जो हमारे कहते हैं इसका जो कारण होता है बवासीर का जो है, जिनमें से बवासीर हम दो तरह के कह देते हैं। एक खूनी बवासीर होती है जिसमें हमको टॉयलेट के साथ में खून के वगैरह आना, लग लग के आना, चमकदार खून वगैरह, ये एक कारण होता है। दूसरा जो कारण होता है कि जैसे कि बादी बवासीर में हमारे जहाँ से हमारे मल द्वारा शौच करते वक्त में हमारे जो किनारे होते हैं उन सब पर घाव हो जाते हैं, जिसको मस्से कहते हैं, और वो काफ़ी तकलीफदायक चीज़ होती है। जैसे करते वक्त में जोर लगता है, जैसे कि हमने टॉयलेट कर हमारा टॉयलेट कर भी लिया हो तब भी हमको लगता रहता है कि हमको जाने का मन हो रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके कारण भी हम सबको दर्द वगैरह या खून वगैरह या फिर कई बार असहाय दर्द हम सबको ज़्यादा होता है। इन चीज़ों के मामले में हम सब इसको इन सबको हम सब बवासीर का एक रूप दे सकते हैं, बवासीर है। इसी चीज़ के लिए हम सबको अपने डॉक्टर या अपने चिकित्सा वैद्य या फिर किसी वैद्य से हमको संपर्क करना चाहिए, जिससे हमको इससे छुटकारा मिल सके। इन्हीं मामलों में से एक हमारे हाथ में आप देख रहे हैं फिडाल्गो का दवासीर कैप्सूल, ये भी एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसका इस्तेमाल भी आपको अभी स्टार्टिंग फेज है तो आप एक एक कैप्सूल रोज का ले सकते हैं, जिस हिसाब से इस कंपनी और ने दावा किया है कि एक कैप्सूल रोज का लेना है। जो शुरुआती फेज है तो आप उस एक सुबह शाम ले सकते हो 5 दिन तक। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की दिक्कत है तो आप एक कैप्सूल रोज का ले सकते हैं 2 से 3 महीने तक। और इस कैप्सूल का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही इस कैप्सूल का प्रयोग। दवासीर इनके कैप्सूल्स के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है सबसे पहले नंबर पर है अति विषा 200 mg है, अखोड़ो 50 mg है, अरिस्टा जो है 40 mg है, रासावंती जो है 20 mg है, एलओसी है वो 10 mg है, और सोना नमक है वो 10 mg है। और इसका प्राइस की बात करें तो 10 कैप्सूल का प्राइस इसका 65 रुपये है। आप इसको परचेज करना चाहो तो आप नज़दीक किसी भी केमिस्ट शॉप से या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से पता कर सकते हैं, बड़े आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें।